हे गाइस, फैट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे कॉकटेल हैं और इनकी कुछ अलग सी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर करूं। जो मेरा एक पेयर है वो तो आप देख रहे होंगे, ऊपर बैठा हुआ है और उसका जो मेल है वो बॉक्स पर बैठा हुआ है। लेकिन ये जो दो नए बर्ड्स हैं, ये जो है ना, अब क्या कर रहे हैं कि बॉक्सेट सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बॉक्स के अंदर जाना और ये सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रीडिंग के ऊपर इनका ध्यान जा रहा है या फिर ये ब्रीडिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। बट मुझे ये नहीं पता कि इसमें से दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, तो हम इसको पकड़ेंगे कल और पकड़ करके इनको चेक करेंगे, देखेंगे कि भैया इसमें मेल और फीमेल कौन से हैं और फिर जो है ना उसी हिसाब से इसके ऊपर काम करेंगे। अगर ये दोनों मेल हैं, ये भी मेल है और वो वाला भी मेल है, तो हम क्या करेंगे कि जो मेरी ऊपर बैठी हुई है वो तो फीमेल है, मुझे पता है, कंफर्म है। घर की जो पट्ठा है, घर की जो निकली हुई बर्ड्स है वो फीमेल है, तो हम उसको और एक इसमें से बर्ड्स को, लेकिन यार ऐसा मतलब कैसे हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों बर्ड्स अंदर जा रहे हैं और अगर ये दोनों मेल हुए तो यार ये तो कन्फ्यूज़न वाला मैटर हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके ऊपर जल्दी मुझे काम करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं अपने बर्ड्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दे नहीं पा रहा था और ध्यान ना देने की वजह से बर्ड्स जो है ना, जो उनकी खुद की एक्टिविटीज़ है, वो अपने एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे थे। लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं इनके ऊपर फोकस करूँ, इनको ध्यान दूँ और इनके लिए अच्छे से ख्याल रखूँ। खाने पीने का खाली मैं ख्याल रख रहा था, बाकी ब्रीडिंग का तो नहीं रख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत छोटे हैं, अभी ब्रीड नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि शायद इनकी एज हो चुकी है अब ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों कॉकटेल यार देख करके मुझे वैसे अच्छा लगा, बेटर चीज़ है। आपके बर्ड्स ब्रीड करने वाले हैं, यानी कि बर्ड्स आपने अच्छे से रखा हुआ है, एक सिंबल होता है, पहचान होती है। और मेरे बर्ड्स ब्रीड करते हैं आप जानते ही हो, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता कॉकटेल का। कॉकटेल का थोड़ा सा मसला मेरे साथ में उल्टा है, ख़राब हो जाते हैं ज़्यादातर अंडे। और ये पेयर देखते हैं कि ये किस तरह से ब्रीड करता है और कैसा इसका रिज़ल्ट होता है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक बर्ड्स अंदर जा चुका है और दूसरा उसके पे लगा हुआ है, उसके पीछे लगा हुआ है, मतलब वहीं पर बैठा हुआ है। और ये जो पुराना वाला पेयर है, इन्होंने, इनके अंडे जो थे वो ख़राब हो चुके हैं, मतलब इनके जो अंडे थे ना वो ख़राब हो गए हैं और ये फिर से अंडे रखने के मूड में हैं, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ फीमेल प्रोसेस में लगी रहती है और मेल भी लगा रहता है, तो मतलब फिर जल्दी ही ये ब्रीड कर देंगे। तो गाइज़, ये एक छोटी सी अपडेट कॉकटेल से जुड़ी हुई। फ़िलहाल आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। दोनों के दोनों जा रहे हैं बॉक्स के अंदर, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर असल में मसला थोड़ा सा ये है कि मौसम चेंज हो चुका है और अब जो बर्ड्स ब्रीड करने वाले होंगे ना, वो सब के सब ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देंगे और लगातार ब्रीड करने की कोशिश करेंगे, तो इनका भी जो प्रोसेस है वो कुछ उसी के ऊपर है, क्योंकि ये भी सब के सब अडल्ट हो चुके हैं और ये भी अब अपनी ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देंगे। अगर रीज़न ये है कि इन दोनों को हटाना इसलिए पड़ेगा, मेल फीमेल अगर दोनों हैं तो दोनों को इसलिए हटाना होगा क्योंकि ये एक ही ब्लड लाइन के हैं और एक ही पेरेंट्स हैं, तो होगा क्या कि ज़्यादातर अंडे ख़राब होने के चांसेस होते हैं ऐसे में। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी ब्रीड हो अच्छी हो और जो भी रिज़ल्ट मिले वो अच्छा मिले, क्योंकि सेम ब्लड लाइन लोग मना करते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी सही नहीं आता है। होता क्या है कि जो है ना, जो बच्चे हैं अंडे, मतलब अंडे ज़्यादातर तो ख़राब ही हो जाते हैं और बच्चे निकलते हैं वो भी जो है ना ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए गाइस, ये होता है भोकाल, मतलब ये यहाँ का सबसे बड़ा है, तो ये जो है ना अपना दादागिरी सारे बर्ड्स के ऊपर दिखाया करता है। जैसा कि अभी आपने देखा, इसने जो है ना इनको भगा दिया बर्ड्स को।
तो ये कुछ कॉकटेल से जुड़ी हुई अपडेट आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।